हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम अ फादर ऑफ अ वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ अ केयरिंग वुमन। आई एम इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 26 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन है आशर अराइज एट कलवा इन मुंबई। सो लेट्स बिगन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, ये एलिवेशन है बिल्डिंग का जो कि आशर अराइज नाम है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये दो विंग है, बी और सी विंग। तो ये दोनों बिल्डिंग जो है, इसमें करीबन बी विंग में हर एक फ्लोर के ऊपर 10 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 BHK, और सी विंग में अगर आप देखेंगे तो हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 BHK। टोटल बिल्डिंग जो है ये 40 हैबिटेबल फ्लोर्स है। उसके नीचे 2 लेवल पोडियम पार्किंग है, ग्राउंड है, और फिर लोअर बेसमेंट है जो कि पार्किंग के लिए दिया हुआ है। और जितने भी एमिनिटीज़ है वो सारे पोडियम लेवल के ऊपर दिए हुए हैं, और इसका लैंड पार्सल होगा करीबन 4 acres का लैंड पार्सल है। तो ये कुछ इस तरीके का लुक है बिल्डिंग का। काफ़ी स्लीक टावर है और कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। एंड द डेवलपर इज आशर डेवलपर एंड द प्रोजेक्ट नेम इज आशर अराइज। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे कुछ शॉप्स वगैरह भी दिए हुए हैं, तो ज़रूरत की जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी। वैसे तो ये एरिया काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, इकोसिस्टम जो है कलवा स्टेशन के बाहर हर चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 एमिनिटी जोन दिया हुआ है इस कॉम्प्लेक्स में, और जो भी साइड का व्यू लेते हो, अगर आप इस फ्रंट साइड का फ्लैट लेते हो या इस तरफ का भी फ्लैट लेते हो, तो दोनों साइड का आपको जो व्यू है, एक तरफ हिल या माउंटेन साइड व्यू मिलता है और दूसरे तरफ आपको सिटी साइड व्यू मिलता है। और जितने भी फ्लैट्स इसमें बने हुए हैं सारे वास्तु कंप्लाइंट फ्लैट हैं। और एक प्लस पॉइंट अगर आप इस फ्लैट्स में यहाँ पर देखेंगे तो हर एक फ्लैट के साथ में 1 meter वाइड, जो कि आप आराम से 2 tables और 1 teapot रखकर वहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो। और दूसरा, हर एक फ्लैट के साथ लॉफ्ट दिया हुआ है स्टोरेज पर्पज के लिए। कलवा दोस्तों ये थाना डिस्ट्रिक्ट में आता है, और थाना रेलवे स्टेशन के बाद ये सेकेंड स्टेशन जो है ये कलवा रेलवे स्टेशन है। तो जैसे थाना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वैसे कलवा का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जोरों शोरों में डेवलप हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट के हिसाब से देखते हो तो भी रिटर्न्स यहाँ पर अच्छा है। अगर आप एंड यूज़र के हिसाब से भी अगर आप देखते हो तो फ्लैट इज़ वेरी रीजनेबल रेट। अगर एंड यूज़र के हिसाब से भी अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप फ्लैट ले सकते हो। दूसरा, कलवा के जो रोड्स है वो काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर जो क्रीक जो अंदर आता है वहाँ पर चौपाटी बन रहा है, स्काई वॉक बन रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहा है। तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होगा वो डेफिनेटली अपने आप में प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन देकर जाएगा। तो दोस्तों, इकोसिस्टम अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेंटर में, और ये डिस्टेंस में आप जितने भी देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये थाना रेलवे स्टेशन है, उसके बाद ये कलवा रेलवे स्टेशन है, और कलवा स्टेशन से अगर आप वेस्ट साइड में अगर आप बाहर आते हो तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है इस तरफ। और दूसरी तरफ आप देखेंगे इस तरफ तो ये थाना गोरबंदर रोड है, और ये वाइट रोड आप देख रहे हैं ये मुंबई पुणे हाईवे है। यहाँ पर छोटा रोड आप देख रहे हैं, दिस इज थाने बेलापुर रोड। इस सराउंडिंग एरिया में आप देखेंगे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे डिस्टेंस वाइज आप आशर अराइज से अगर आप देखते हो तो शॉपिंग जोन जो है वो कलवा सुपरमार्केट 2 kilometers पर है, विवानिया मॉल 4 kilometers पर है, और कोरम मॉल 5 kilometers पर है। और स्कूल्स वाइज होली क्रॉस स्कूल 2.5 kilometers, GP गोयनका इंटरनेशनल स्कूल 4.5 kilometers, सिंगानिया स्कूल 5.5 kilometers, वसंत विहार स्कूल 6 kilometers, बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल इज 10 kilometers। तो बहुत अच्छे और बड़े स्कूल्स यहाँ पर इस लोकेलिटी में हैं। हेल्थ जोन वाइज अगर आप देखेंगे तो प्रकृति केयर हॉस्पिटल 800 meters पर है, प्रमिला हॉस्पिटल 850 meters, शिवाजी हॉस्पिटल 1.5 kilometers, ग्लोबल हॉस्पिटल 3.5 kilometers, एंड जुपिटर हॉस्पिटल 6 kilometers। तो वर्किंग जोन वाइज देखेंगे तो काफ़ी IT हब्स है यहाँ पर, तो माइंड स्पेस आयरोली 5 kilometers, आशर IT पार्क 6 kilometers, रिलायंस जियो 6 kilometers, TTC इंडस्ट्रियल पार्क 9 kilometers, मिलेनिया बिजनेस पार्क 10 kilometers। और कम्यूटिंग जोन वाइज ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 3 kilometers, गोरबंदर रोड 11 kilometers, नवी मुंबई 20 kilometers। तो
तो दोस्तों इस एरिया से आप कोई भी लोकेलिटी में अगर आप जाना चाहते हो टूवर्ड्स डोंबिवली, कल्याण, पनवेल, न्यू बॉम्बे या खारघर, पूना वगैरह, तो इजिली आप इस एरिया से आप ट्रैवल कर सकते हो। दूसरी बात, मुंबई में भी अगर आपको ट्रैवल करना है तो मुंबई भी आपको यहाँ से बाई ट्रेन, बाई रोड आप इजिली आप ट्रैवल कर सकते हो। दूसरा, इस प्रोजेक्ट का और एक प्लस पॉइंट ये है कि बुलेट ट्रेन का जो सेकेंड स्टॉप होगा, मुंबई टू अहमदाबाद का जो सेकेंड स्टॉप होगा मुंबई के बाद, वो थाना होगा। तो थाना अगर आपको अहमदाबाद भी जाना है वाया बुलेट ट्रेन, तो बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और दो लेवल पोडियम पार्किंग है, उसके ऊपर ये सारा एमिनिटीज दिया हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये बिल्डिंग के पीछे प्रोजेक्शन भी ऐसा निकाला हुआ है बाहर, जहाँ पर नीचे आप देखेंगे दो लेवल पोडियम पार्किंग है और उसके ऊपर ये सारे एमिनिटीज दिए हुए हैं। तो एमिनिटीज में भी यहाँ पर आप देखेंगे तो टॉडलर्स प्ले एरिया है, किड्स प्ले एरिया, ट्रैम्पोलिन पार्क, पेरेंट्स सिटिंग एरिया, ओपन टर्फ एंड फ्लोरा गार्डन। देन इन एस्ट्रो टर्फ देयर इज मल्टीपर्पज कोर्ट, स्पेक्टेटर प्लाजा, इंडोर बैडमिंटन एंड एम्पी थिएटर। तो यहाँ पर पोडियम लेवल के ऊपर ये स्विमिंग पूल दिया हुआ है, काफ़ी लार्ज साइज स्विमिंग पूल है और उसके सराउंडिंग में सारे वुडन फ्लोरिंग दिए हुए हैं और प्लस ये थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए ऊपर थोड़ा शेड दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि वुडन ट्रांसपेरेंट है, मतलब वुडन स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर साइड में सन डेक दिया हुआ है। क्लब का नाम क्लब निर्वाणा रखा है, जिसमें आप देखेंगे क्लब हाउस है, जिमनेजियम है, क्रॉस फिट एरिया है, कॉन्फ्रेंस रूम, मिनी थिएटर, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, मसाज रूम, सन डाउनर पार्टी जोन एंड व्यूइंग डेक। और दूसरे एमिनिटीज में दोस्तों आप देखेंगे तो सीनियर सिटीजन एरिया, स्केटिंग रिंक, बॉक्स क्रिकेट एंड मिनी गोल्फ। तो बहुत सारे एमिनिटीज इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिया हुआ है, आशर अराइज बाय आशर डेवलपर। देन देयर इज अ बैंक्वेट हॉल, सेलिब्रेशन लॉन, बारबेक्यू एरिया एंड गेस्ट रूम्स। तो कुछ एमिनिटीज 40th फ्लोर के ऊपर दिया हुआ है, जो कि रूफ टॉप एमिनिटीज है, यहाँ पर आप देख सकते हो काफी एमिनिटीज ऊपर दिया हुआ है। तो स्काई जोन एमिनिटीज अगर आप देखते हैं तो योगा एंड मेडिटेशन डेक, द हैमॉक प्लाजा, पार्टी डेक एंड मिनी सर्विस काउंटर। देयर इज अ बॉल पूल एरिया, एयर हॉकी, प्ले स्टेशन जोन, मिनी फुटसॉल एरिया, इंडोर गेम्स एरिया लाइक कैरम, कार्ड्स, स्नूकर्स, डांस स्टूडियो, आर्ट्स एंड क्राफ्ट रूम, टॉडलर्स प्ले एरिया कम क्रीच। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, कुछ रिटेल प्लाजा आपके बिल्डिंग के नीचे ही दिया हुआ है, वैसे भी शॉपिंग मॉल्स और रिटेल्स प्लाजा इस कॉम्प्लेक्स के नज़दीक है, काफ़ी प्राइम लोकेशन पे प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों ये बिल्डिंग का एलिवेशन कुछ इस तरीके का एलिवेशन है, यहाँ पर आप देखेंगे बैल्कनीज दिया हुआ है, डेक्स जिसको बोल सकते हैं, और दो लेवल पोडियम पार्किंग है, और उसके बाद बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स दिए हुए हैं और हर एक फ्लैट के साथ 1 मीटर वाइड डेक है, जो कि ट्रांसपेरेंट टफ एंड ग्लास का है ये पार्टीशन। तो बिसाइड दिस दोस्तों, जितने भी लिविंग रूम्स में जो भी फिटिंग्स रहेगा, किचन में सिंक, टैप्स और बाथरूम में सैनिटरी सीपी फिटिंग्स और कॉमन एमिनिटीज में जितने भी सारे फिटिंग्स वगैरह है, सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स रहेंगे। और वैसे भी आशर इज़ अ ब्रांडेड डेवलपर, काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में है, उनका जो भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं काफ़ी बेहतरीन और लग्जरी क्वालिटी का प्रोडक्ट रहता है। तो दोस्तों ये मास्टर फ्लोर प्लान है बी और सी विंग का। बी विंग में अगर आप देखेंगे तो 10 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 BHK, और सी विंग में आप देखेंगे तो 8 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 BHK। यूनिट प्लान अगर आप देखेंगे तो 457 कारपेट एरिया है 1 BHK में, जो कि इसका प्राइस शुरू होता है 78 लाख से इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। फिर उसके बाद 477 1 BHK भी है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी लार्ज साइज हॉल है और फोयर एंट्रेंस दिया हुआ है और डेक है, काफ़ी बड़ा डेक दिया हुआ है यहाँ पर, 1 मीटर वाइड डेक है और बेडरूम के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। तो 477 स्क्वायर फीट भी इनके पास 1 BHK है। और उसके बाद ये 645 2 BHK का प्लान है, जिसमें आप देखेंगे कोई वेस्टेज नहीं है फ्लैट के अंदर और यहाँ पर भी डेक दिया हुआ है, जिसका प्राइस शुरू होता है 1 crore 8 lakh से इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा साइज का है, 663 2 BHK। तो दोस्तों ये सारा एमिनिटीज जो है ये पोडियम लेवल 2 पर है,
और ये अपर स्टिल्ट का एमिनिटीज है जो कि क्लब निर्वाणा नाम रखा गया इसका, और उसके बाद ये रूफ टॉप जो कि 40th फ्लोर के ऊपर है। तो फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का है December 2026। तो बुकिंग के लिए आप मुझे फोन कर सकते हो 7400138561 पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। एंड सी यू अगेन विथ वन मोर डेवलपर वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।